खबर सीहोर से है, जहां जिले के रहटी नसरुल्लागंज तहसील के नर्मदा किनारे बसे रेत घाटों का है, जिसमें से दिन रात पावर में एक नमक कंपनी नर्मदा नदी में मशीन चलाकर नर्मदा नदी का अस्तित्व छलनी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में काम कर हो रहा अवैध रेत खनन। नर्मदा नदी में सैकड़ों पोकलैंड एवं जेसीबी मशीनों से नर्मदा नदी से अवैध तरीके से रेत निकाला जा रहा है। एक ओर नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटने में लगी है रेत माफिया पावर में कंपनी, तो दूसरी ओर बावरी से छिंदगांव काछी तक कुछ पेड़ पौधे लगाकर वाहवाही लूट रही है। मतलब ये कि नर्मदा नदी के जल स्तर को नीचे पहुंचाकर अपने पापों को धो रही है। नर्मदा नदी का जल स्तर घटने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह के जिला के कहीं गांवों में पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं प्यासे। मरने को मजबूर तो वही खनिज अधिकारी राजेंद्र परमार की साठगांठ से नर्मदा नदी में सैकड़ों महीने चलाकर एनजीटी के नियम कायदों को तट पर रखकर बेरोक टोक नर्मदा नदी से हजारों डंफर रेत निकलकर स्टोक कर रही है। रविवार को पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर नर्मदा तट स्थित ग्राम बावरी से लेकर ग्राम छिदगांव काछी तक मुख्य मार्ग के समीप कुछ पौधारोपण किया गया। रेत माफिया कंपनी कर रही लोगों की जान के साथ खिलवाड़। रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचला, तो थाना नसरुल्लागंज के ग्राम सिलकंठ में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। रेत से भरे डंपर ने बीच गांव में युवक को कुचला। पावर में कंपनी जहां एक ओर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं लोगों को मौत भी मुफ्त में बांट रही है। बिरा 24 के लिए सीहोर से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। आज वर्ल्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 20,000 पौधों का वृक्षारोपण करने का अभियान रखा गया है, जिससे विभिन्न तहसीलों में किया जाएगा। नरसुलागंज, रेहटी और बुधनी में हम लोग कर रहे हैं। हमारे कंपनी के कर्मचारी उनका प्लांटेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ ही प्लांटेशन का देखरेख भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग का लक्ष्य कहाँ रहते हैं आप? बाबरी। ये बताइए कि आपके यहाँ रेत खदान है या नहीं? है ये रेत खदान। तो यहाँ के मजदूरों को मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों? ये मशीन चल रही है। कौन चला रहा है? अन्ना कंपनी। अन्ना कंपनी कितनी मशीने चला रही है? करीबन 5-6 लग रही चल रही है। कब से कब तक चलती है ये? अपने 6 से लेके सुबह 6 तक मशीनें चलती है। हाँ, रात भर चलती है। इसकी आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत किससे की थी? सीएमओ से। तो कैसी? सभी पे की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ के जो लोग है भूखे मरने के लिए बेबस है ना? जी सर। तो आप जैसे अगर आप लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है और अन्ना कंपनी की ये पॉकलैंड नहीं रुकवाई जाती, तो आप लोग क्या करोगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे सर। जैसे भूखे तो मर ही रहे हैं। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही सीएम के क्षेत्र में ना? जी सर। मतलब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो माफिया रेत माफिया को खत्म कर दूं, लेकिन उनके क्षेत्र में ही पोकलैंड से नर्मदा नदी का सीना छलनी हो रहा है ना? जी सर। महेंद्र सिंह कहाँ रहते हो? बाबरी। ये बताइए यहाँ जो नर्मदा नदी से रेत खुदाई हो रही, मजदूर कर रहा है या मशीन कर रही है? तो यहाँ के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है? यानी मालूम है मशीन पूरी काम कर ही रही है मशीन। तो मशीन कब चलती है? ये तो रात में चल रही है, अभी खड़ी हुई तो जाए। मतलब रात में मशीनों से खुदाई होती है ना? कितने डंफर हो जाती होगी लगभग? ये मान लो 30-40 डंफर हो जाती है। कितनी मशीन पोकलैंड चल रही है? 4-5 मशीन है। 5 पोकलैंड चल रही है ना? हाँ। रात भर चलती है? रात भर चलती। कब से कब तक चलती है? ये तो सुबह भुंसारे लिया हुई है 6 बजे। हाँ। मतलब रात को शाम को 6 बजे से सुबह 6 तक। हाँ। कौन सी कंपनी के ये? यार भैया पावर मैक की है ना? अब जाने वालों कहाँ की कंपनी है? अन्ना कंपनी की है। हाँ। तो रात भर नर्मदा से रेत निकालते हैं? हाँ, रात भर। एक पुल भी बन रहा है यहाँ? हाँ, पुल बन गया ना, पूरा बन गया। अब वो जाने का वहाँ बंद गए ही नहीं। हाँ, वहाँ कोठी गई है, एकदम शिवराज सिंह आया था जब फुलवा दिया उसको। हाँ। और फिर गई है। अच्छा, दोबारा से पुल बन रहा? हाँ, अवैध पुल है ना? हाँ, अवैध। नर्मदा जी का रास्ता रोक के बन रहा ना? हाँ। ठीक।